ओके फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, प्रोटोकॉल फॉर नीडल स्टिक इंजरी। ठीक है, हम हॉस्पिटल में काम करते समय बहुत बार हमें नीडल स्टिक इंजरी होती है और मोस्टली ये हाथ में या उंगलियों में होती है। जो नर्सिंग स्टाफ है, डॉक्टर्स है और हाउसकीपिंग स्टाफ, उनको बहुत बार ये इंजरी हो सकती है। तो ऐसी इंजरी होने के बाद हमें क्या करना चाहिए, उसके प्रोटोकॉल्स क्या है, ये आज हम यहाँ पे देखेंगे। ओके, सो फर्स्ट थिंग, इमीडिएटली फॉलोइंग एन एक्सपोजर टू ब्लड, नीडल स्टिक कट शुड बी वॉश विथ सोप वाटर, एंटीसेप्टिक कैन बी अप्लाइड। तो इमीडिएटली अगर नीडल स्टिक इंजरी होती है तो हमें क्या करना है, एक्सपोजर टू ब्लड, नीडल स्टिक कट शुड बी वॉश विथ सोप वाटर, तुरंत सोप वाटर से जहाँ पे भी आपको इंजरी है वो वॉश करना है। कितने मिनट्स के लिए, मिनिमम 10 मिनट्स के लिए रनिंग वाटर में आपको उसको सोप वाटर से क्लीन करना है, वॉश करना है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, एंटीसेप्टिक कैन बी अप्लाइड। रनिंग वाटर टैप के अंदर वॉश करने के बाद सोप एंड वाटर से हमें वहां पे एंटीसेप्टिक लगाना जरूरी है। ठीक है, अभी वहां पे एंटीसेप्टिक भी लगा दिया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, बहुत बार इंजरी होते समय उसके कुछ स्क्रैचेस या वॉश करते समय अपने नोज, माउथ, स्किन इसके ऊपर भी आते, तो ऐसी जगह को भी हमें थोरली वॉश करना जरूरी है। नेक्स्ट, डू नॉट पुट द कट फिंगर रिफ्लेक्सली इन द माउथ। बहुत बार क्या होता है, हमें आदत रहती है कुछ इंजरी हो गई तुरंत मुंह में वो इंजरी पार्ट पकड़ते हैं वो। ठीक है, तो गलती से भी ऐसे करना नहीं है। ठीक है, हाँ, क्या, डू नॉट पुट द कट फिंगर रिफ्लेक्सली इन द माउथ। गलती से भी कोई भी वुंड, इसका ब्लड मुंह में लेके चूसना नहीं है। देन अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट, डू नॉट अप्लाई सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन टू द कट एट एनी कंडीशन। सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन उस वुंड पे नहीं जाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, रिपोर्ट द एक्सपोजर टू द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी इमीडिएटली और कॉन्टैक्ट कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर एंड द इन्फेक्शन कंट्रोल डिपार्टमेंट। नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमें तुरंत कैजुअलिटी यानी CMO को या फिर आपके हॉस्पिटल में इन्फेक्शन कंट्रोल डिपार्टमेंट है तो ICN होते हैं, इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स होती है, उनको तुरंत जाके इन्फॉर्म करना है। ठीक है, कॉन्टैक्ट कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर एंड इन्फेक्शन कंट्रोल डिपार्टमेंट एंड देन ट्रीट द कंडीशन एज एन इमरजेंसी। ईच एंड एवरी स्टिक इंजरी हमें इमरजेंसी कंडीशन करके ट्रीट करना है। यानी कोई भी पेशेंट HIV या HBsCg पॉजिटिव हो सकता है, बराबर। और बहुत बार क्या होता है, पेशेंट विंडो पीरियड्स में भी होता है, विंडो पीरियड में होने की वजह से वो पॉजिटिव है या नहीं है हमें पता नहीं रहता। तो ट्रीट ईच एंड एवरी नीडल स्टिक इंजरी सीरियसली। उसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप, डॉक्टर को इन्फॉर्म करने के बाद आइडेंटिफाई द पेशेंट। पेशेंट को आइडेंटिफाई करना है, यानी किस पेशेंट को जो सिरिंज यूज की थी, नीडल यूज हुई थी, उसकी वजह से हमें नीडल स्टिक इंजरी हुई है। वो पेशेंट आइडेंटिफाई करने के बाद क्या करेंगे, उस पेशेंट का ब्लड टेस्ट करना जरूरी है ना? पेशेंट का ब्लड टेस्ट करना है, कब करना है, तुरंत उस दिन और आफ्टर सिक्स मंथ्स, दोनों टाइम उनका ब्लड टेस्ट करना जरूरी है।
अगर पेशेंट पॉजिटिव है तो इमीडिएटली आपको आपके कंसल्टेंट डॉक्टर से मिलके मेडिकेशन चालू करने पड़ेंगे। अगर निगेटिव है रिपोर्ट तो भी आपको आपके ब्लड टेस्ट करने जरूरी है, वो भी तुरंत और 6 महीने बाद। तो ये सब प्रोटोकॉल्स है नीडल स्टिक इंजुरी के, यानी कहीं पर भी इंजुरी हुई तो तुरंत रनिंग टैप वाटर में सोप वाटर से कम 10 मिनट के लिए वो वॉश करना है। उसके बाद उसके ऊपर एंटीसेप्टिक लगाना जरूरी है। ऐसी इंजुरी कभी भी मुंह में लेके चूसना नहीं है। और डू नॉट अप्लाई सोडियम हाइपोक्लोराइड भी ऐसे जख्म को नहीं लगाना। अगर इंजुरी के साथ अगर माउथ पे नोज पे फेस पे अगर उसके स्लैशेस है तो वो भी आपको थोरोली क्लीन करने हैं। इसके बाद आपके जो सीएमओ डॉक्टर है या आईसीएम है या इन्फेक्शन कंट्रोल डिपार्टमेंट है आपके यहाँ, तो उनको रिपोर्ट करना जरूरी है। और ऐसी कोई भी कंडीशन हो तो इसको हमें एज ए इमरजेंसी ट्रीट करना है। और उसके बाद हमें पेशेंट आइडेंटिफाई करके पेशेंट की ब्लड इन्वेस्टिगेशन करनी है और उसके बाद खुद की भी ब्लड इन्वेस्टिगेशन करनी है। और अकॉर्डिंगली अगर ज़रूरत है तो कंसल्टेंट आपको मेडिसिन लेना है नहीं लेना है कब जांच करना है इसकी जानकारी आपके कंसल्टेंट आपको देंगे।